भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक बार फिर से आमना सामना होने वाला है। 24 फरवरी वो दिन होगा जब भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से आमने सामने होंगी। और इस बार जिस खिलाड़ी से सबसे अधिक उम्मीद है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय टीम की उम्मीद बनकर आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत गए थे, वहाँ पे कुछ ऐसी कमियाँ देखने को मिली, खासतौर पर विकेट के पीछे उनकी कमियाँ देखने को मिली और उसको लेकर ऋषभ पंत काफ़ी परेशान थे। और इस बात का खुलासा किया है पूर्व विकेट कीपर किरण मोड़ ने। रिपीट, किरण मोड़ ने बताया कि ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे के बाद काफ़ी निराश थे, उन्होंने एनसीए में काफ़ी पसीना बहाया। मैंने उनकी खामियों को दूर करने के लिए एमएस धोनी के विकेट कीपिंग से सीखने की सलाह दी। ऋषभ पंत की साइड मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने उसे ओपन चेस्टेड स्टांस का सुझाव दिया जो कि धोनी की सफलता की कुंजी है। पंत की बॉडी पोजीशन और हाथों के मूवमेंट के लेकर भी मैंने बदलाव करने की सलाह दी और ये सलाह सफल साबित हुआ। मैं खुश हूँ कि ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी उपयोगिता साबित की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कुल 20 शिकार किए जिसमें पंत ने एडिलेड में ही 11 कैच लपक कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर दी। बहरहाल देखना होगा कि एक बार फिर से जब वो ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने होंगे तो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, साथ में विकेट के पीछे अगर मौका मिलता है तो वो किस तरीके से विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।